Yes, everybody. Another question from distance formula. Verify the three points are the vertices of a right angle triangle. ये सेम क्वेश्चन क्लास टेंथ में करके आया आप लोग. राइट एंगल ट्रायंगल का क्या रूल है? दैट इट मस्ट ओबे पाइथागोरस थ्योरम. तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे दूं से पी क्यू और आर, तो टेक्निकली सबसे पहले क्या निकालो? पी क्यू. पी क्यू निकालो, पी क्यू का स्क्वायर निकालो, क्योंकि पाइथागोरस स्क्वायर स्क्वायर के थ्रू होती है. पी क्यू स्क्वायर मतलब रूट उधर नहीं लगानी. तो क्या बन गया ये? माइनस वन माइनस जीरो का स्क्वायर, 6 माइनस 7 का स्क्वायर एंड 6 माइनस 10 का स्क्वायर. तो ये मेरे पास बन गया 1, और ये बन गया 1, और ये बन गया 4 का स्क्वायर 16. तो क्या बना? 20. उसके बाद आया क्यू आर, सॉरी 18. थैंक यू जी. हाँ जी, क्यू आर माइनस 4 प्लस 1, 9 माइनस 6 एंड 6 माइनस 6. ठीक है जी. माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 6 माइनस 6 0. तो ये 18 आ गया. ये देख के क्या समझ आया कि भाई ये आइसोसेलेस भी है, दो साइड्स बिल्कुल सेम लेंथ की आ गई. ठीक है, अब आ गई तीसरी साइड पी आर. माइनस 4 माइनस 0, 9 माइनस 7, 6 माइनस 10, 16 प्लस 4 प्लस 16, 36 एंड 4, 32 एंड 4, 36. क्या इन दोनों का सम इसके बराबर आ गया? ठीक है जी. तो हम क्या लिखेंगे? एज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर. सो देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. माइंड माय वर्ड्स, ये गलत क्वेश्चन है. मैंने क्लास टेंथ में आपको ये सारी चीज समझाई थी. हमारी दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी के बराबर आया, पर ये ट्रायंगल नहीं प्रूफ हुआ. ये पाइथागोरस प्रूफ हुई है जो ट्रायंगल में लगती है. ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए क्या लगते हैं प्रॉपर्टी पता है? किसी भी दो साइड का सम थर्ड बड़ा होना चाहिए. मैंने जानबूझ के नहीं पहले बोला, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो क्या इस पे रिस्पॉन्ड करते हैं. तो सबसे पहले इसको लो इक्वेशन नंबर 1. इज दिस पॉइंट क्लियर? अब आ जाओ पी क्यू. मेरे पास क्या आया? वो आया रूट 18. पी आर क्या आया? क्यू आर क्या आया? रूट 18. सो पी क्यू प्लस क्यू आर क्या आया? रूट 18 प्लस रूट 18 इज 2 रूट 18. यस और नो? अब तीसरी साइड क्या है? पी आर वो आया रूट 36 विच इज 6. अब मुझे चेक करना है ये वैल्यू बड़ी है कि ये बड़ी है. ऑब्वियस ये बड़ी होनी चाहिए. यस और नो? 2 रूट 18 को लिख सकते हैं 9 2 3 रूट 2. बोलो जी. तो ये आ गया 6 रूट 2. 6 रूट 2 पक्का किससे बड़ा होगा? 6 से. 6 रूट 2 इज ग्रेटर देन 6, दैट इज पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर. देयरफॉर पी क्यू आर फॉर्म्स आ ट्राइंगल. ठीक है, ये बनी क्वेश्चन नंबर 2. ट्राइंगल है और पाइथागोरियन प्रूफ कर रहा है, तो ये क्या बन गई? राइट एंगल ट्राइंगल. तो फ्रॉम 1 एंड 2 ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल. बी वेरी ऑनेस्ट, किस किस को पता था ये मेथड ये करना चाहिए? नहीं कराया गया आपको टेंथ में कि जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल या आए कोई ट्राइंगल प्रूव करना है पहले उनकी इनइक्वालिटी करनी है सॉल्व. गुलनूर ये बात पता थी या नहीं पता थी? नहीं पता थी. इट इज अ मस्ट, करिए नोट. यस एवरीबॉडी, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला. वेरीफाई द थ्री पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये सेम क्वेश्चन क्लास टेंथ में करके आया आप लोग. राइट एंगल ट्राइंगल का क्या रूल है? दैट इट मस्ट ओबे पाइथागोरस थ्योरम. तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे दूं से पी क्यू और आर, तो टेक्निकली सबसे पहले क्या निकालो? पी क्यू. पी क्यू निकालो, पी क्यू का स्क्वायर निकालो, क्योंकि पाइथागोरस स्क्वायर स्क्वायर के थ्रू होती है. पी क्यू स्क्वायर मतलब रूट उधर नहीं लगानी.
तो क्या बन गया ये माइनस वन माइनस जीरो का स्क्वायर, सिक्स माइनस सेवन का स्क्वायर एंड सिक्स माइनस टेन का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन गया वन, और ये बन गया वन, और ये बन गया फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो क्या बना ट्वेंटी। उसके बाद आया क्यू आर, सॉरी एटीन, थैंक यू जी, हाँ जी, क्यू आर माइनस फोर प्लस वन, नाइन माइनस सिक्स एंड सिक्स माइनस सिक्स, ठीक है जी। माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन और सिक्स माइनस सिक्स जीरो, तो ये एटीन आ गया। ये देख के क्या समझ आया कि भाई ये आइसोसेलेस भी है, दो साइड्स बिल्कुल सेम लेंथ की आ गई, ठीक है। अब आ गई तीसरी साइड पी आर, माइनस फोर माइनस जीरो, नाइन माइनस सेवन, सिक्स माइनस टेन, सिक्सटीन प्लस फोर प्लस सिक्सटीन, थर्टी सिक्स एंड फोर, थर्टी टू एंड फोर, थर्टी सिक्स। क्या इन दोनों का सम इसके बराबर आ गया, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे, एज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, सो देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। माइंड माय वर्ड्स, ये गलत क्वेश्चन है। मैंने क्लास टेंथ में आपको ये चार ही चीज समझाई थी, हमारी दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी के बराबर आया, पर ये ट्राइंगल नहीं प्रूफ हुआ, ये पाइथागोरस प्रूफ हुई है जो ट्राइंगल में लगती है। ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए क्या लगते हैं प्रॉपर्टी बताएं, किसी भी दो साइड का सम थर्ड बड़ा होना चाहिए। मैंने जानबूझ के नहीं पहले बोला, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो क्या इस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सबसे पहले इसको लो इक्वेशन नंबर वन, इज दिस पॉइंट क्लियर। अब आ जाओ पी क्यू, मेरे पास क्या आया, वो आया रूट एटीन, पी आर क्या, क्यू आर क्या आया रूट एटीन, सो पी क्यू प्लस क्यू आर क्या आया रूट एटीन प्लस रूट एटीन इज टू रूट एटीन, यस और नो। अब तीसरी साइड क्या है पी आर, वो आया रूट थर्टी सिक्स विच इज सिक्स। अब मुझे चेक करना है ये वैल्यू बड़ी है कि ये बड़ी है, ऑब्वियस ये बड़ी होनी चाहिए, यस और नो। टू रूट एटीन को लिख सकते हैं नाइन टू द थ्री रूट टू, बोलो जी, तो ये आ गया सिक्स रूट टू। सिक्स रूट टू पक्का किससे बड़ा होगा, सिक्स से। सिक्स रूट टू इज ग्रेटर देन सिक्स, दैट इज पी क्यू प्लस क्यू आर is greater than PR, therefore PQR forms a triangle, ठीक है। यह बनी क्वेश्चन नंबर टू, ट्राइंगल है और पाइथागोरियन प्रूव कर रहे हैं, तो यह क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। तो फ्रॉम वन एंड टू ट्राइंगल PQR is right angled triangle। Be very honest, किस किस को पता था यह मेथड यह करना चाहिए, नहीं कराया गया आपको टेंथ में कि जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल या आए कोई ट्राइंगल प्रूफ करना है पहले उनकी इनइक्वालिटी करनी है सॉल्व। गुलनूर ये बात पता थी या नहीं पता थी, नहीं पता थी, इट इज अ मस्ट, करिए नोट।